हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिप्टो बिगर्स पे। दोस्तों आज हम इस वीडियो में इथर स्कोर के बारे में बात करेंगे। दोस्तों ये एक अनदर कंफर्म एड ऑफ वीडियो होने वाला है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो डिसेंट्रलाइज रेपुटेशन सिस्टम, मतलब इसका क्या हुआ कि आपका जो वॉलेट है जैसे मेटामास्क ट्रस्ट वॉलेट हो गया, उसका रेपुटेशन क्या है, आपने कहाँ कहाँ पे इसको यूज किया है, ठीक है, उसके रेपुटेशन के बिहा पे ही इसका जो एड ऑफ जो आने कंफर्म एड ऑफ जो आने वाला है उस पे आपको इसके टोकन मिलेंगे, ठीक है। तो अभी आप बोलेंगे कि इसका एड ऑफ कब होगा, तो आप इसके नीचे आके आप रोड मैप पे देख सकते हो Q1 और Q2 2023 पब्लिक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन, और आप यहाँ पे देख सकते हो कम्युनिटी एयरड्रॉप। तो दोस्तों इसका एयरड्रॉप कंफर्म है, तो इसका एयरड्रॉप आपको मिलेगा। लेकिन इसके जो एयरड्रॉप है उस पर आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो और इसके जो एयरड्रॉप के ज्यादा टोकन के लिए आप कैसे एलिजिबल हो सकते हो, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे डिटेल्स के साथ। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले, अभी तक आपने हमारे दोस्तों यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर दीजिएगा, ताकि आने वाले टाइम पे जब भी हम एयरड्रॉप के वीडियो अपलोड करें फर्स्ट नोटिफिकेशन आपको मिले और आप घर बैठ के आप कहानी आप कंटिन्यू रख पाओ। और दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि हमारा जो मोटिवेशन है वो बना रहे। तो चलिए दोस्तों आज का जो टॉपिक है उसके तरफ चलते हैं। तो दोस्तों पहले मैं आपको इथर स्कोर के बारे में थोड़ा बता देता हूं। तो यहाँ पे देखे तो व्हाट इज इथर स्कोर, तो इथर स्कोर क्या है, इथर स्कोर सोलबैंड टोकन एनएफटी बेसिस डिलीवर्ड ऑन चेन प्रूफ ऑफ एक्सपीरियंस। तो यहाँ पे क्या बोला कि आपका जो वॉलेट है ट्रस्टेड वॉलेट हो गया या फिर मेटामास्क वॉलेट से जो आप एडोप ज्वाइन करते हो और जहाँ पे आप ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, उस वॉलेट से आपने क्या क्या काम किया है, आपका पास्ट का रेपुटेशन क्या है, आपने कहा पे ट्रांजेक्शन किया है, कहा पे बाय सेल किया है, उसके बिहाफ पे ही यहाँ पे आपको बैजेस मिलेंगे। और बैजेस के आपके पास जितना बैजेस होगा आने वाले टाइम पे इसका जो टोकन होगा उसका रिवॉर्ड आपको उस हिसाब से मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ इसके बारे में यहाँ पे डिटेल्स दिया गया है और आप नीचे आके इसके टोकन का भी आप यहाँ पे नाम देख सकते हो। इसका जो टोकन होगा उसका नाम होगा ETS टोकन, ठीक है। इसका बेनिफिट आप देख सकते हो यहाँ पे आके, ठीक है। और यह इसका पार्टनर और रोड मैप पे आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका अभी फिलहाल जो Q3 और Q4 चल रहा है, तो क्वार्टर क्या क्या काम यहाँ पे होने वाले हो रहे हैं आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। अभी हम आज जो इस वीडियो में ज्वाइन करेंगे टेस्टनेट का ही यहाँ पे जो बैच है वो हम क्लेम करेंगे, ठीक है, ये अभी मेननेट पे नहीं आया, ठीक है। और इसका जो एडअप होगा वो Q1 Q2 2023 पे हो जाएगा, पब्लिक टोकन डिस्ट्रीब्यूशन प्रोडक्ट रिलीज यहाँ पे जब करेंगे तभी होगा, ठीक है। प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ऑडिट कम्युनिटी एड ऑफ और आपको मेननेट रिलीज सब एक साथ जब मेननेट रिलीज होगा तभी इनका जो एड ऑफ होगा वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों इसका जो बैजेस है उसको आपको कैसे कलेक्ट करना है सारा कुछ अभी हम आपको बताते हैं। तो उसके लिए दोस्तों इसका जो साइट है इधर उसको अल्फा, इस साइट पे आपको आना है। सभी का लिंक दोस्तों टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम पोस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पोस्ट पे क्लिक करके आप टेलीग्राम पे जाके सारे को आप एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे आपको यहाँ पे सारे लिंक दिया गया है। तो यहाँ पे पहले आपको करना क्या है, तो कनेक्ट योर वॉलेट, और जो यहाँ पे जो काम होगा हम यहाँ पे जो काम करेंगे ये मुंबई टेस्टनेट मतलब मैटिक का जो टेस्टनेट है उसके ऊपर हम यहाँ पे काम करेंगे। तो उसके लिए पहले आपको करना क्या है, इस जगह पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको लेके आएगा chainlist.org। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, मुंबई यहाँ पे टाइप करना और आपको यहाँ पे टेस्टनेट को यहाँ पे ऑन कर देना। तो यहाँ पे आपका यह जो नेटवर्क यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके आप इस नेटवर्क को एड कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये जो काम होगा यहाँ पे इस टेस्टनेट के ऊपर ही होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे इसके जो फॉसेट की जरूरत पड़ेगा, मतलब इसका टेस्टनेट का जो टोकन है उसकी जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पे मुंबई सिलेक्ट रहेगा, यहाँ पे मैटिक टोकन सिलेक्ट रहेगा और आपको यहाँ पे आपका जो मेटामास्क का एड्रेस है उसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है। तो उसके बाद सबमिट पे क्लिक करना, तो लोग यहाँ पे आपका वॉलेट में एक मैटिक सेंड कर देंगे तुरंत, कंफर्म पे क्लिक करना है। तो हमारा यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हमारे वॉलेट पे मैटिक है, आपके वॉलेट पे नहीं होगा तभी आपको मिलेगा, ठीक है। आपके वॉलेट पे है तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से मैटिक और आपका जो चेन है दोनों को ऐड कर लेना। तो उसके बाद आपको नीचे आना है, नीचे आके आप यहाँ पे गो टू बैच टैब, तो यहाँ पे क्लिक करके आप जा सकते हो या फिर आप यहाँ पे बैच पे क्लिक करके भी आप इस टैब पे आ सकते हो। तो सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जितना भी टास्क यहाँ पे दिया गया आपने अगर किया है तो आपको यहाँ पे सारे बैजेस मिलेंगे, आपने नहीं किया है तो आपको कैसे करना है सारा डिटेल्स मैं इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो पहले आपको मैं वॉलेट कनेक्ट करके मैं दिखा देता हूँ। वॉलेट जब आप कनेक्ट करोगे आपका हमारा जैसे इथेरियम पे है जैसे, तो यहाँ पे, तो यहाँ पे चेंज नेटवर्क पे क्लिक करना है, तो आपको ये मुंबई पे लेके आएगा, मतलब ये टेस्टनेट पे अभी चल रहा है, ठीक है। साइट थोड़ा स्लो है तो आप थोड़ा धीरे से रख के यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपने अगर स्नैपशॉट पे वोट दिया है, ये जो स्नैपशॉट स्टारगेट का वोट किया है और ऑप्टिमिज्म का वोट किया था हमने, यहाँ पे शेल प्रोटोकॉल का वोट किया था, तो आपने अगर तो दो वोट आपने किया है स्नैपशॉट पे तो आपका ये जो टास्क है यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। इसके लिए ऑलरेडी हमने इसको क्लेम कर लिया है, लेकिन एक हमने यहाँ पे रखा है, आपको क्लेम करके दिखाऊंगा कैसे करना है, ठीक है। उसके बाद आपने गिटकॉइन पे डोनेट किया है, गिटकॉइन 15 पे या फिर 14 या 13 पे जैसे हमने आप लोगों से सभी
जो ग्रांट था सभी को आप लोगों से शेयर किया है, आपने अगर डोनेट किया है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे एलिजिबल नहीं है क्योंकि हमने डोनेट किया है फिर भी हम एलिजिबल नहीं, क्योंकि हमने मेन नेट से यहाँ पे डोनेट नहीं किया था, हमने किया था ZK सिंह से, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। तो हम जो इसका नेक्स्ट जो गिटकॉइन डोनेशन आएगा 16 उसमें हम यहाँ पे मेन इथेरियम से डोनेट करेंगे तो हम इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो इस मंथ में ही आने वाला है, दिसंबर या फिर जनवरी में आ जाएगा इसका डोनेशन, तो उसपे हम यहाँ पे मेन नेट पे डोनेट कर देंगे तो हमारा ये टास्क हो जाएगा। और आप भी कर देना, हम आपको अपडेट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पे आता है POH प्रूफ ऑफ ह्यूमैनिटी, इसका आप आपके पास अगर है तो इस पे आप एलिजिबल हो जाएगा। और हमारे पास यहाँ पे ENS है, इसका वॉलेट जो आईडी है वो हमने नहीं लिया है, हम ले लेंगे बाद में, ठीक है। तो उसके बाद हमें यहाँ पे आता है लीडो, तो इसने इस पे आपने अगर स्टेक किया है तो यहाँ पे आपका जो बैच है वो आपको मिल जाएगा। और आपने मिरर पे आपने दो पोस्ट किया तो इसके लिए यहाँ पे मिरर पे एलिजिबल हो, ENS का प्रोफाइल है आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। और ये बिल्डर का है ये हम नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपने ENS V2 पे आपने 3 ट्रेड किया है तो इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। और इसके इथर स्कोर का कोर मेंबर है तो आप यहाँ पे, तो हम यहाँ पे कोर मेंबर नहीं है तो हम इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे आपके पास लेंस का 50 फॉलोअर्स है तो आप यहाँ पे इसका जो बैच है वो आपको मिल जाएगा, नहीं कर सकते। और यहाँ पे आपको करना है कि इधर इसका जो लेंस प्रोफाइल है उसको आपको फॉलो करना है तो आपका यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। और आपका यहाँ पे स्नैपशॉट ने आपने आगे वोट किया, ठीक है, इसका एक वोट ऑलरेडी हो चुका है तो यहाँ पे स्नैपशॉट पे ही हुआ था तो ये हमसे मिस हो गया है। तो नेक्स्ट टाइम जब वोट आएगा तभी हम यहाँ पे वोट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है ENS V3 पे आपने 3 ट्रेड किया है तो इसके लिए आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पे दो यहाँ पे टास्क है, जैसे यहाँ पे ENS V2 और यहाँ पे ENS V3, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है मैं उसको बताऊंगा आपको, ठीक है। तो मैं पहले आपको एक एक करके समझा देता हूँ कैसे कैसे आपको यहाँ पे जो आपका बैजेस है उसको आपको कलेक्ट करना है। मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे देख सकते हो, तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, तो टोटल 7 बैजेस हमारे पास है। एक बैजेस के बदले में आप एक वोट कर सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जितना ज्यादा बैजेस होगा उतना आपको ज्यादा वोट आप कर सकते हो और आपको यहाँ पे ज्यादा टोकन मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक एक करके बताता हूँ। तो इसपे पहला जो है स्नैपशॉट, तो स्नैपशॉट पे आपने 2 वोट दिया है तो आप इसके लिए यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, आपने दिया ही होगा इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे, ठीक। उसके बाद गिटकॉइन मैंने जैसे बोला आपको यहाँ पे आपने अगर मेन नेट पे किया है तो यहाँ पे आप एलिजिबल हो जाओगे। नेक्स्ट जो डोनेशन आएगा उसमें हम यहाँ पे डोनेट कर देंगे, ठीक है। और इसके बारे में हम हमारा जब प्रोफाइल क्रिएट करेंगे तभी आप लोगों के साथ यहाँ पे इसका जो वीडियो है वो आप शेयर कर देंगे या फिर आप यूट्यूब पे जाकर भी देख सकते हो, बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे शेयर किया वीडियो, ठीक है। उसके बाद लीडो के बारे में अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है, कैसे आपको यहाँ पे इसका जो बैच है उसको आपको लेना है। तो दोस्तों लीडो पे स्टेक करने के लिए आपको करना क्या है, लीडो के साइट पे आना है और मैं दिखा देता हूँ हमने कितना स्टेक किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो 0.0021 हम इथेरियम हमने यहाँ पे स्टेक किया जिसका वैल्यू आप यहाँ पे देख सकते हो $2.75 होता है, ठीक है। तो आपको करना क्या है यहाँ पे स्टेक करने के लिए, तो पहले आपको आना है यहाँ पे, आपको कुछ भी अमाउंट का यहाँ पे आपको टाइप करना है इथेरियम, ठीक है, जैसे यहाँ पे 0.0001, ठीक है, आप इतना ही टाइप करो, कुछ भी आपका जो आपका बैलेंस है उतना टाइप करके यहाँ पे आपको सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे जब क्लिक करोगे, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपका यहाँ पे आ जाएगा ट्रांजेक्शन। तो ट्रांजेक्शन यहाँ पे आपको जस्ट कंफर्म करना, देखो तो $1.78 अभी फिलहाल यहाँ पे हम अगर करेंगे तो यहाँ पे लगेगा। तो इस तरह से यहाँ पे आपका जो स्टेक है यहाँ पे आप कर दोगे, ठीक है, करने के बाद आपका जो बैलेंस है यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। और उसके बदले में आपको यहाँ पे रिवर्ट भी मिलेगा। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपका जो स्टेक है वो आपको इस तरह से करना है, ठीक है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कैसे क्या शो करेगा, आप जब कर लोगे इस तरह से क्लेम शो करेगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्लेम पहले कर लेना, ठीक है, आने के बाद, नहीं तो पहले सारे टास्क आप कर लीजिएगा उसके बाद ही एक एक करके आपको सारे को क्लेम करना है, ठीक है। तो उसके बाद आता है दोस्तों मिरर, तो मिरर पे आपको क्या करना है, तो मिरर पे आपको 2 पोस्ट आपको लिखना है, ठीक है, आर्टिकल आपको मतलब शेयर करना है मिरर पे, मिरर। तो उसके लिए आपको मिरर पे आना है, ठीक है, मिरर पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट एंटर पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे कुछ लिखना है, मतलब आर्टिकल लिखना है। तो आर्टिकल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ जो पहले से मैंने यहाँ पे लिख कर रखा था। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ये पोस्ट हमने टेलीग्राम से उठाया, ठीक है, टेलीग्राम पे जैसे हमने आप लोगों के साथ ENS सेकंड का जो एडोप शेयर किया था वैसे हमने ये पोस्ट को उठाया। तो यहाँ पे आपको कुछ आपको लिख इस तरह से करना है, ठीक है, हेडिंग वेडिंग देना है आपको, लिख देना है, ठीक है। लिखने के बाद आपको यहाँ पे पब्लिश पे यहाँ पे क्लिक करना है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करके आपका जो क्वांटिटी है पोस्ट का, जैसे हमने देखा है कहीं पे आपने जब क्लेम करने जाते हो पोस्ट को तभी यहाँ पे 500 या फिर 5000 दिखाता है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे आप रख सकते हो। या फिर आपका जो इस पोस्ट को कलेक्ट करने के लिए
आपको फीस इसका जो प्राइस कितना रहेगा, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस, आप प्राइस रख सकते हो, ठीक है, आपका पोस्ट का प्राइस, या फिर आप इसको करके आप जीरो भी कर सकते हो, तो हम जीरो के साथ ही जाएंगे, तो यहाँ पे साइन एंड पब्लिश पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो हमारा जो पोस्ट है ये पब्लिश हो जाएगा, ठीक है, और पब्लिश होने के बाद कैसा दिखेगा वो भी हम आपको दिखाते हैं। आपको साइन पे क्लिक करना है, तो ये आपका पोस्ट हो गया पब्लिश, ठीक है, तो आप यहाँ पे व्यू एंट्री पे क्लिक करना है, तो उसके बाद आपका जो पोस्ट है यहाँ पे ऐसे शो करेगा, ठीक है, और हमने इससे पहले भी देख सकते हो पोस्ट किया था, तो यहाँ पे सारे पोस्ट आपका जो जितना भी पोस्ट होगा यहाँ पे शो करेगा। और अब अगर आप इस जो पोस्ट है उसका आप अगर कलेक्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे कलेक्ट पे क्लिक करना है, 500 और यहाँ पे फ्री दिखा रहा है, तो जैसा आपने किया होगा, हमने जैसा प्रोसेस शेयर किया था, किसी कोई पोस्ट था, ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करके आप कलेक्ट कर सकते हो, जिसका फीस यहाँ पे देखे तो 18 सेंट लग रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे आपका पोस्ट भी आप कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है, तो ये दोस्तों यहाँ पे मिरर का हो गया, ठीक है, किस तरह से करना है, तो आपको यहाँ पे दो पोस्ट करना है, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखना है दो आर्टिकल, तो दो आर्टिकल आपको लिखना है, जैसे मैंने आपको दिखाया उसी तरह से दो आर्टिकल आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, तो ये अब मिरर का हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास अगर लेंस प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल है आपने देखो लेंसटर का, तो ये जो प्रोफाइल आपके पास है इस पे एलिजिबल हो, नहीं है तो आप ओपनसी पे आके बाय कर सकते हो, जिसका प्राइस आप यहाँ पे देख सकते हो $52 फिलहाल चला गया है, ठीक है, तो बहुत प्राइस हाई हुआ है, तो यहाँ से भी आप बाय कर सकते हो, बाय करके आप ले सकते हो, लोगों ने यहाँ पे $52 पे यहाँ पे बाय किया है, ठीक है। आप अगर बाय नहीं कर सकते तो अभी आपके पास फिलहाल फंड नहीं है, तो आपको करना क्या है, जो इसका जो ट्विटर का प्रोफाइल है यहाँ पे आना है, आने के बाद ट्विटर को फॉलो कर लेना है, फॉलो करने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको नजर रखना है, ये लोग यहाँ पे गिव अवे करते हैं, ठीक है, गिव अवे में पार्ट लेके आप यहाँ से भी आप फ्री में इसका लेंस प्रोफाइल आप ले सकते हो, तो इस तरह से आपको लेंस प्रोफाइल लेना है, लेने के बाद तो आपको यहाँ पे आपका जो ये टास्क है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है, आप अगर आपके पास है तो ये टास्क पूरा हो जाएगा। उसके बाद बिटकॉइन यहाँ पे जो बिल्डर है उसके लिए, तो ये तो हम नहीं कर पाएंगे, तो अभी आता है दोस्तों यूनिसेफ V2 पे स्वैप, और यहाँ पे नीचे एक है यहाँ पे V3 पे स्वैप, तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आप अगर यहाँ पे इथेरियम से USDC या फिर दूसरा जो भी क्वाइन हो आप यहाँ पे अगर बाय करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आप जो स्वैप कर रहे हो ये स्वैप होगा V3 पे, ठीक है, आप इथेरियम से डायरेक्ट यहाँ पे बाय करो तो ये यहाँ पे स्वैप होगा V3 पे स्वैप होगा, ठीक है, जो यहाँ पे ये वाला जो दिया है, ठीक है, जो V3 यूनिसेफ V3, तो यहाँ पे 3 स्वैप करने के लिए आपने अगर किया है तो इसके एलिजिबल हो, तो आपने अगर इस तरह से स्वैप किया है तो आप इसके जो V3 है इसके लिए एलिजिबल हो, ठीक है, और आप 3 स्वैप आपने किया और आप V2 पे आप अगर एलिजिबल होना चाहते हो उसके लिए आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको दूसरा टोकन, जैसे आपके पास अगर डाई है तो डाई से आप अगर यहाँ पे कोई दूसरा 1 इंच बाय करते हो तो यहाँ पे स्वैप जो होता है ये V2 स्वैप होता है, ठीक है, तो आप अगर इथेरियम से करोगे यहाँ पे स्वैप तो होगा V3, और आप अगर दूसरे टोकन से दूसरे टोकन को बाय करोगे तो होगा V3, ठीक है, तो इस तरह से तो मेरा हो गया है, ठीक है, तो इस तरह से इन दोनों टास्क को आपको करना है, ठीक है, V2 होगा एक टोकन से दूसरे टोकन को बाय करोगे तो होगा V2, और आप अगर यह इथेरियम से बाय करोगे किसी दूसरे टोकन को तो यहाँ पे होगा V3, ठीक है, तो आप यहाँ पे बात शायद समझ में आ गया होगा, आपको नहीं आया है तो टेलीग्राम पे ज्वाइन करना है, टेलीग्राम पे ज्वाइन करके आपको हमें टैग करके मैसेज करना है, तो मैं आपका जो अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो उसके बाद दोस्तों आता है यहाँ पे इथर स्कोर कोर मेंबर, तो ये इथर स्कोर जो डेवलपर है उन लोगों के लिए है, तो ये तो हम यहाँ एलिजिबल नहीं हो सकते। तो उसके बाद आता है दोस्तों लेंस इन्फ्लुएंसर, तो ये क्या है, तो आपका जो लेंस प्रोफाइल है, ये जो प्रोफाइल है लेंस यहाँ पे आपका जो फॉलोअर्स है वो 50 होना है, ठीक है, 50 अगर होगा तो आपको यहाँ पे ये बैज मिलेगा, देख सकते हो यहाँ पे लेंस हैविंग एटलीस्ट 50 फॉलोअर्स और लेंस प्रोटोकॉल, तो यहाँ पे आपका 50 फॉलोअर्स होना चाहिए तभी आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, यहाँ पे आपका जो बैच है वो आपको मिल जाएगा। जैसे हमने हमारे टेलीग्राम पे हम लोगों से यहाँ पे शेयर करके रखा है कि आपका अगर फॉलोअर नहीं है तो यहाँ पे हमें फॉलो करो, हम तो आपको फॉलो बैक कर देंगे, और आप यहाँ पे ग्रुप है इस ग्रुप पे जाकर भी आप यहाँ पे अपना जो प्रोफाइल लिंक है वो आपको शेयर कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे लोगों ने शेयर किया है, तो यहाँ पे आपका जो फॉलोअर्स हो आपको यहाँ पे मिल जाएगा आराम से, यहाँ पे 50 फॉलोअर्स आपका यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे आपको पोस्ट मिल जाएगा, तो हमें यहाँ पे फॉलो करना है, और आप इस ग्रुप पे जाके आपका जो प्रोफाइल लिंक है लेंस का वो आपको देना है। कौन सा लिंक, ये यहाँ पे जो लिंक है ये जो लिंक यहाँ से कॉपी करना है, कॉपी करके आपको यहाँ पे कॉपी करना है, और आपका जो प्रोफाइल का लिंक हो उसको आपको इस तरह से कॉपी करके यहाँ पे आपको पोस्ट कर देना है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो लेंस का प्रोफाइल है यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा, प्रोफाइल पिक्चर जो सेट किया है तो इसलिए इस तरह से आ रहा है, नहीं तो इस तरह से आ जाता, ठीक है, तो आप इस तरह से कर देना, ठीक है, तो आपको यहाँ पे जो फॉलोअर्स है वो इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद तो ये इसको करते, उसके बाद आता है यहाँ पे इथर इसको लेंस सपोर्टर, तो यहाँ पे करना क्या है, आपको इथर स्कर को लेंस पे जाके फॉलो करना है, यहाँ पे आपको कॉपी कर लेना है, कॉपी का आपको लेंस यहाँ पे आना है, आने के बाद आपको यहाँ पे आपका जो इसका नेम यहाँ पे सर्च करना है, ठीक है, तो
तो इस तरह से आ जाएगा इसका प्रोफाइल। यहाँ पे आपको इसको फॉलो करना है, यहाँ पे फॉलो करना, ऑलरेडी हमने यहाँ पे इसको फॉलो करके रखा है, ठीक है, फॉलो करना। उसके बाद आपको करना है जो पोस्ट है इसको आपको पोस्ट लाइक करना है, ऑलरेडी हमने लाइक किया है, यहाँ पे क्लिक कर रिट्वीट करना है और यहाँ पे क्लिक करके आपको इसको कलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी हमने कलेक्ट कर लिया है, मैं दूसरा पोस्ट दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पे कलेक्ट ना पे कलेक्ट, मतलब इसका जो एनएफटी है पोस्ट का जो एनएफटी, जैसे हमने पहले अभी आपको दिखाया जो मिरर का है उसी तरह का इसका पोस्ट का है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसका जो पोस्ट है उसको आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, यहाँ पे कलेक्ट हो गया, आपके इस तरह से करना है, इसका जो फॉलोअर्स एनएफटी है आपको मिल जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है, इसका कर लिया और यहाँ पर भी आपको लाइक कर देना है, ठीक है, तो ये सब करना है, एक सब करने से आप यहाँ पे एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है, जैसे तो यहाँ पे आपको करना क्या है, लेंस ऑनर, तो यहाँ पे आप फॉलो करोगे इसके लिए हो जाएगा और आपके आगे कलेक्ट करोगे, जैसे हमने कलेक्ट करके दिखाया है, यहाँ पे क्लिक करके उसी तरह से कलेक्ट करोगे तो इस पे आप एलिजिबल हो, तो दोनों पे आप एलिजिबल यहाँ पे हो गए हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इधर इसको आर्ली वोटर, तो जैसे वोट के बारे में मैंने जैसे बताया आपको, वोट हमने इसका वोट मिस कर दिया, तो यहाँ पे आप नहीं होगा, नेक्स्ट जो वोट आएगा उस पे आप वोट करके इस पे एलिजिबल हो जाएंगे। उसके बाद आता है V3, जैसे मैंने बताया निशा पे आपको इथेरियम के साथ यहाँ पे कोई भी टोकन आप स्वैप करो, ठीक है, तो 3 स्वैप आपको यहाँ पे करना है, पहले अगर किया है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अगर नहीं किया तो अभी कर लो, तो यहाँ पे आपका एलिजिबल है, आप हो जाओगे, ठीक है, तो सब काम आप कर लेना, करने के बाद आपको इस तरह से शो करेगा क्लेम, ठीक है, क्लेम शो करेगा, तो आपको यहाँ पे पहले क्लेम पे क्लिक करना है, तो क्लेम पे क्लिक करके इसका आपको पहले क्लेम कर लेना, जो होगा यहाँ पे मुंबई टेस्टनेट पे हो रहा है, पहले आपको क्लेम कर लेना है, उसके बाद इसका जो बैच है उसको आपको कलेक्ट करना है, ठीक है, ये तो आपको मिल गया लेकिन उसको आपको कलेक्ट करना है, तो यहाँ पे 60 सेकंड का टाइम लेगा, तो जब ये इसका ट्रांजेक्शन हो जाए उसके बाद इस तरह से शो करेगा, ठीक है, जैसे आपका यहाँ पे हो गया, ठीक है, क्लेम हो गया, तो अभी आपको करना क्या, मिंट करना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मिंट पे क्लिक करना है, तो आपको यहाँ पे फिर से यहाँ पे आ जाएगा, तो फिर से आपको यहाँ पे ट्रांजेक्शन आपको कंफर्म करना है, ठीक है, तो इसका भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन हो जाएगा, 60 सेकंड का मतलब 1 मिनट का यहाँ पे टाइम लगेगा, ठीक है, तो और उसके बाद आपको यहाँ पे कलेक्शन पे आना है, कलेक्शन पे आने के बाद आप यहाँ पे देख पाओगे आपका वोट, मतलब आपका जो बैच है कितना बैच आपके पास है, तो जैसे देख सकते हो यहाँ पे 7 और 1, पहले हमारे पास टोटल यहाँ पे 6 था और यहाँ पे 1 7, टोटल 7 था, अभी 8 हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आके आप देख सकते हो यहाँ पे टोटल 8 हमें यहाँ पे ऑनर जैसे दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है, टोटल हम यहाँ पे 8 का ऑनर है, अभी हमने अभी इसको क्लेम किया है, ठीक है, जो V2 वाला, ठीक है, इसको तो पहले ही क्लेम किया था, तो टोटल हमारे पास अभी जो बैच है वो 8 है, ठीक है, और जो बाकी जो बैच है यहाँ पे जैसे प्रूफ ऑफ ह्यूमिनिटी का हो गया, उसके बाद यहाँ पे जो डेवलपर है तो नहीं हो सकता, इसका जो वोटिंग का है, ये सब बाद में जब आएगा उसको आप कर लेंगे तो तब इसका यहाँ पे हम एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है, और यहाँ पे गिटकॉइन का जो था उसपे नेक्स्ट जो गिटकॉइन 16 जो डोनेशन आएगा उस पर हम इथेरियम पे करेंगे, मेन नेट पे करेंगे, तो हम यहाँ इस यहाँ पे एलिजिबल हो जाएंगे, तो इस तरह से इसको इसका जो बैजेस है उसको आपको कलेक्ट करना है और आपको यहाँ पे आके वोट करना है, ताकि आने वाले टाइम पे जब इसका एड ऑफ आए तभी हम इस एड ऑफ पे हम एलिजिबल हो जाए, ठीक है, और इसका जो वोट था उसी एड ऑफ के बारे में ही यहाँ पे इन लोगों ने वोटिंग प्रपोजल लाया था, तो यहाँ पे देख सकते हो लोगों के पास क्या क्या यहाँ पे बैजेस थे, यहाँ पे 8 ज्यादा लोगों के पास 8 नहीं है, कमी है 7 ही ज्यादा है, 7, लेकिन इस बार जब वोट आएगा उसमें ज्यादा हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को इतना दिन पता नहीं था, तो हमने भी आप लोगों के साथ वीडियो शेयर कर दिया है, ठीक है, तो इसको कैसे आपको करना था, इस तरह से दोस्तों आपको यहाँ पे बैजेस कलेक्ट करना है, और आने वाले टाइम पे जब भी इसका वोट आएगा या फिर कोई दूसरा अपडेट आएगा सभी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही रहा, आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, जल्दी हम किसी दूसरे वीडियो को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद जय भारत।